Hello friends, welcome back to my channel The Get Mac. I am Himlata Kaushal and today we are going to discuss on the topic compression ignition and spark ignition engine. So before starting this video, please subscribe to my channel The Get Mac and also press the bell icon, or if you want to get this PPT, please contact me. So let's start this video with the definition of IC engine. So an internal combustion engine is a heat engine, as we know, where the combustion of fuel occurs within an oxidizer, usually air, in a combustion chamber. That is an integral part of the working fluid flow circuit. In an IC engine, the expansion of the high temperature and high pressure gases produced by combustion applied direct force to some component of the engine. The force is applied typically to piston, turbine blade, rotor or nozzle. This force moves the component over a distance, transforming chemical energy into useful mechanical energy. The first modern IC engine was created in 1876 by Nicholas Otto. So let's move on the classification of IC engine. अपने broadly classification अपने IC engine वाले video के अंदर देखा था, ठीक है, जब अपना first video था IC engine का. यहाँ पर अपन केवल by the type of ignition देख रहे हैं कि ignition के type के according अपन IC engine को दो parts में classify करते हैं, that is compression ignition और spark ignition engine. Okay, तो अपन first डिस्कस करते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन और डीजल इंजन. द डीजल इंजन ऑल्सो नोन एज कंप्रेशन इग्निशन और CI इंजन, नेम्ड आफ्टर रुडोल्फ डीजल, इज एन आई सी इंजन इन विच इग्निशन ऑफ फ्यूल विच इज इंजेक्टेड इन टू द कंबशन चैम्बर इज कर्स्ड बाय द एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द सिलेंडर ड्यू टू द मैकेनिकल कंप्रेशन. तो डीजल इंजन जो नाम दिया गया कंप्रेशन इग्निशन इंजन को, वो दिया गया आफ्टर रुडोल्फ डीजल, ठीक है. तो ये एक तरह का आईसी इंजन है जिसमें फ्यूल का इग्निशन होता है बाय द कंप्रेशन ऑफ एयर, मतलब एयर को कंप्रेस्ड करते हैं. अब जो एयर है कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर, वो करती है एंटर जो अपना इंटेक वॉल्व है, वहाँ से केवल एयर ही इंटेक करेगी, ठीक है. और जो फ्यूल है वो इंजेक्टर के थ्रू कंबशन चैम्बर के अंदर जाएगा, और वहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, वहाँ पर केवल एयर जो है वो कंप्रेस्ड होगी, और एयर का इतना टेम्परेचर प्रेशर हाई होता है, ठीक है, कि वो फ्यूल को स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट कर देती है, ठीक है. इन डीजल इंजन ग्लो प्लग्स कंबशन चैम्बर प्री वार्मर्स में बी यूज्ड, ठीक है. ग्लो प्लग्स यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जैसे कि ठंडा मौसम है, कोल्ड वेदर है, या फिर व्हेन द इंजन यूजेज अ लोअर कंप्रेशन रेशियो, और बोथ दोनों ही रीजंस हैं, तो वहाँ पर अपन ग्लो प्लग्स यूज़ करते हैं, ठीक है. प्री हीट करने के लिए प्री वार्मर्स, एज अ प्री वार्मर अपन ग्लो प्लग्स यूज़ करते हैं, ठीक है. जो डीजल इंजन है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल पर मतलब वर्क करता है, मतलब इसमें जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट रहता है, इस प्रिंसिपल पे ये ऑपरेट करता है, ठीक है. तो ये पूरा इसमें इस पीपीटी में ये सब लिख रखा है जो मैंने समझाया. ओके, सो अपन नेक्स्ट मूव करते हैं. द डीजल इंजन हैज़ द हाईएस्ट थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर सॉरी प्रैक्टिकल इंटरनल और एक्सटर्नल कंबशन इंजन ड्यू टू इट्स वेरी हाई एक्सपांशन रेशियो एंड इनहरेंट लीन बर्न, ठीक है, विच इनेबल्स हीट डिसिपेशन बाय द एक्सेस एयर. डीजल इंजन में भी डिज़ाइंड एज ईदर टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक साइकिल. तो डीजल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी है वो हाईएस्ट होती है जो अदर इंटरनल और एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उनसे, क्योंकि इसका एक्सपांशन रेशियो हाईएस्ट रहता है, ठीक है. और डीजल इंजन जो है वो फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक साइकिल दोनों ही टाइप में डिज़ाइन हो सकता है. तो इसके करेक्टरिस्टिक अपन देखते हैं. तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखा रखा है डीजल इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन का, ठीक है, कि इसमें स्पार्क प्लग नहीं है, ठीक है, इसमें स्पार्क प्लग यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पार्क प्लग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर या फिर डीजल इंजन के अंदर, क्योंकि इसमें एयर को कंप्रेस्ड करके ही अपन फ्यूल को इग्नाइट करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कंप्रेशन इग्निशन.
ठीक है, तो इसमें वही है कि एयर जो है उसको अपन कंप्रेस करते हैं और विदाउट स्पार्क प्लग, ठीक है, बिना किसी एपरेटस के, बिना स्पार्क प्लग के अपन फ्यूल को इग्नाइट करते हैं, ठीक है। तो ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड है मिक्सचर फॉर्मेशन इनसाइड द कम्बशन चैम्बर, कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इनलेट वॉल्व है वहाँ से केवल एयर अंदर जाती है कम्बशन चैम्बर के अंदर, जो फ्यूल है वो इजेक्टर के थ्रू कम्बशन चैम्बर के अंदर जाता है। तो वहाँ पर दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, मतलब कम्बशन चैम्बर के अंदर ही इनका मिक्सचर होता है, ठीक है, बाहर से ये मिक्सअप होके अंदर एंटर नहीं करते हैं, ठीक है। एट कम्बशन ऑक्सीजन फर्स्ट हैज़ टू बी डिफ्यूज इन टू द फ्लेम रादर देन हैविंग ऑक्सीजन एंड फ्यूल ऑलरेडी मिक्सड बिफोर कम्बशन विच वुड रिजल्ट इन अ प्री मिक्सड फ्लेम। ओके, सो नेक्स्ट है अपना स्पार्क इग्निशन इंजन। तो जैसा कि नाम है इसका, ऐसा ही इंजन और गैसोलिन इंजन इसको बोलते हैं, पेट्रोल इंजन बोलते हैं इसको, वेयर द कम्बशन प्रोसेस ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय अ स्पार्क फ्रॉम अ स्पार्क प्लग। तो ऐसा ही इंजन के अंदर हमेशा एक स्पार्क प्लग, एक एपरेटस होता है, ठीक है, जिसमें स्पार्क होता है, मतलब इलेक्ट्रोड के थ्रू स्पार्क होता है उसमें, और उस स्पार्क के कारण जो फ्यूल है, फ्यूल एयर का मिक्सचर है, वो बर्न होता है, ठीक है। तो अपन कौन कौन से फ्यूल ऐसा ही इंजन के अंदर अपन यूज़ करते हैं, जैसे अपन डीजल इंजन के अंदर डीजल यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें केवल डीजल होगा यूज़। बट क्या स्पार्क इग्निशन इंजन और इसको हम बोलते हैं पेट्रोल इंजन, उसमें अपन केवल पेट्रोल यूज़ करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा ही इंजन आर कॉमनली रेफर टू एज गैसोलीन इंजन इन नॉर्थ अमेरिका एंड पेट्रोल इंजन इन ब्रिटेन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर दीज टर्म्स आर नॉट प्रीफर्ड सिंस ऐसा ही इंजन कैन रन ऑन फ्यूल्स अदर देन पेट्रोल, मतलब पेट्रोल को छोड़कर इसमें कोई सा भी जो फ्यूल है वो अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सीएनजी, हाइड्रोजन, बायोएथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, एलपीजी, ठीक है, नाइट्रोमेथेन। तो मतलब पेट्रोल इसमें यूज़ नहीं होता है ऐसा ही इंजन के अंदर, और पेट्रोल के अलावा, ठीक है, बाकी सारे जो वो हैं फ्यूल्स हैं वो इसमें यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब है इसका वर्किंग साइकिल। यहाँ पर ये अपन ने एक सिंपल सा एक डायग्राम दिखा रखा है ऐसा ही इंजन का, ये स्पार्क प्लग है, ये इनलेट मैनिफोल्ड है, ये आउटलेट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ठीक है, ये वॉल्व है, इनलेट आउटलेट एग्जॉस्ट वॉल्व, ठीक है, ये कम्बशन चैम्बर है, सिलेंडर है, ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, ये टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, और ये क्रैंक केस। द वर्किंग साइकिल ऑफ बोथ एस आई एंड सी आई इंजन मे बी इधर टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। अ फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन इज एन ओटो साइकिल इंजन, ठीक है, इसमें कौन सा साइकिल होता है यूज़? ओटो साइकिल होता है यूज़। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर स्ट्रोक, ठीक है, इस साइकिल में चार स्ट्रोक होते हैं, सक्शन और इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपांशन और पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ईच स्ट्रोक कंसिस्ट ऑफ 180 डिग्री रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन एंड हैंस अ फोर स्ट्रोक साइकिल इज कंप्लीटेड दो थ्रू 720 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। दस फॉर वन कंप्लीट साइकिल देर इज ओनली वन पावर स्ट्रोक वाइल द क्रैंकशाफ्ट टर्न्स बाय टू रेवोल्यूशन। तो ये इसका वर्किंग साइकिल है, ठीक है, कि ये जो क्रैंकशाफ्ट है वो 360 डिग्री रिवॉल्व करती है, ठीक है, दो उसके रेवोल्यूशन होते हैं, फोर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर केवल, ठीक है, और पिस्टन के दो स्ट्रोक लगते हैं, ठीक है, ऑटो साइकिल यहाँ पे यूज़ होता है। अब जो मेन क्वेश्चन पूछते हैं बीटेक के अंदर स्पेशली, कि कंपैरिजन बिटवीन सीआई एंड एसआई इंजन, व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। तो एसआई इंजन और सीआई इंजन के अंदर अपन ने कंपैरिजन लिखे हैं, कि जैसा कि इनकी नेम है पहले, तो कि इट इज़ एन इंजन इन विच द स्पार्क इज़ यूज्ड टू बर्न द फ्यूल, ठीक है, एसआई के अंदर स्पार्क प्लग या स्पार्क अपन यूज़ करते हैं, और सीआई के अंदर अपन हीट यूज़ करते हैं, इट इज़
द इंजन इन विच हीट ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज टू बर्न द फ्यूल. अब जो SI इंजन है उसमें लो कंप्रेशन रेशो होता है इसका, ठीक है, और CI इंजन का कंप्रेशन रेशो हाई होता है. डीजल इंजन CI में होता है यूज़, ओटो साइकिल डीजल साइकिल CI में, ओटो साइकिल SI के अंदर होता है यूज़, ठीक है. कंप्रेशन रेशो इसका लो होता है SI का और इसका CI का हाई होता है. क्यों होगा? क्योंकि कंप्रेशन अपन क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस्ड करते हैं, दैट्स वाई इसका कंप्रेशन रेशो जो है वो हाई होता है CI का. फिर है थर्मल एफिशिएंसी, SI की हाई होती है और CI की एज कम्पेयर टू SI लो होती है CI की. हाई स्पीड इंजन्स है SI और CI जो है वो लो स्पीड इंजन है. SI यूज़ होता है लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में लाइक मोटरसाइकिल कार्स एक्सेट्रा, और जो कंप्रेशन इग्निशन है वो हैवी ड्यूटी व्हीकल में लाइक बस ट्रक शिप इन सब में होते हैं यूज़. सो दैट्स ऑल अबाउट SI एंड CI इंजन. आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट द वीडियो ऑन द वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.